हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवियन। गाइस, आज की जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे जीव की बात करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे जो चैनल है उसको टोटली कॉपी कर दिया। भैया टोटली कॉपी। अब देखो यार, कुछ लोगों को ये नहीं पता कि चैनल के अंदर ना यूट्यूब ने एक कॉपीराइट का बटन ऐड कर दिया है, जिससे कि है ना आप आराम से पता कर सकते हो कि आपकी जो वीडियो है किसने कॉपी की है। तो यहाँ पे देखो मैच में आता है 100% ऑफ देयर वीडियो, मतलब जिन्होंने भी ये वीडियोस अपलोड की हैं बिना कुछ सोचे 100% कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। मतलब डाउनलोड की वीडियो को थ्रू एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वीडियो क्यों बना रहा हूँ इसका बहुत बड़ा रीज़न है, और ट्रेडिंग से ज़रूर रिलेट करूँगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा कुछ खास पर्पज़ नहीं था, कुछ इस तरीके का मोटिव नहीं है। लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखोगे तो ज़रूर समझ आ जाएगा, और आज हम कैसे एक्शन लेने वाले इनके खिलाफ ये भी आपको समझ आ जाएगा वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो। चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी आप हैं मेरे क्रिएटर स्टूडियो पे, एंड यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे लाइक भैया एक नेक्स्ट लेवल होता ना। मतलब कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं, कुछ मेहनत करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं यूट्यूब पे, और कुछ लोग हैं जो उनसे भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है यूट्यूब क्रिएशन को, एक क्रिएटिविटी लेवल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों का उदाहरण मैं आज देने वाला हूँ। तो सबसे नीचे आते हैं बाइनरी ऑप्शन यूएसए ट्रेडिंग पे। तो मैंने जब इस चैनल को क्लिक किया तो मुझे ये वाला ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे भैया ने मेरा नाम भी यूज़ किया हुआ है अवि, हो सकता है भाई का नाम भी अवि हो, चलो कोई बात नहीं। तो इस चैनल पे आने के बाद अगर आप नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद आपको दिखेंगे भैया की कुछ वीडियोस। तो चलो कोई बात नहीं, हमारी भी इनकी वीडियोस हैं तो कोई बात नहीं। अब आते हैं और नीचे थोड़ा, तो यहाँ पे देखो ऑलिम ट्रेड से पैसे कैसे कमाए, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑलिम ट्रेड। एंड यहाँ पे देखोगे आप मेरे चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा, मतलब टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए मैं आपको हमेशा से कहता हूँ इन द सेम वीडियो, ये मेरी वीडियो है। एंड अगर आप नीचे आओगे तो नीचे भी आपको ये देखो, ये भी मेरी वीडियो है। एंड अगर ये भी मेरी वीडियो है, नीचे आते रहोगे तो ये मेरी वीडियो है, ये मेरी वीडियो है। देखिए सारी वीडियोज़ में यहाँ पे देखिए मेरी फोटो भी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो देखो, ये कल परसों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और वो भी भैया ने कॉपी कर लिया है। 6 दिन पहले पेस्ट की थी मैंने, शायद इसको 1.5 हफ्ता हो गया इस वीडियो को अपलोड किए हुए, भाई ने वो भी वीडियो कॉपी कर लिया है। एंड देखो नीचे अगर आप आओगे तो मेरी पुरानी वीडियोज़ भी भाई ने कॉपी कर रखी है। आप सोचोगे नहीं, आपके पास अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे आपकी कितनी वीडियो भाई ने मेरी कॉपी की है। लगभग 40 से 50 वीडियोज़ इन्होंने मेरी कॉपी की हुई है। क्या किया, जस्ट डाउनलोड किया है, पेस्ट कर दिया, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो गाइस यार एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं सबसे पहले, देखो इन्होंने सारी ही कॉपी मेरी वीडियो जो है सारी ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने ये वीडियो क्यों लेके आया हूँ, ये वीडियो मैं क्यों अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं डायरेक्टली इनको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता था, लेकिन मैं यार इसको ना जैसे ही मैं ये चीज़ देख रहा था, तो जब मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक देखी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, कॉपीराइट का जो ऑप्शन है वहाँ पे देखा कि यार इतने सारे लोग हैं जो कॉपी कर रहे हैं कंटेंट को, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरे दिमाग में एक स्ट्राइक की एक चीज़, वो ये कि यार लोग शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं, कोई भी पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता, वो ये देखना चाहता है कि क्या मैं शॉर्टकट यूज़ करूं और जिससे मैं पैसा कमा लूं। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने मेरी कॉपी करके पेस्ट कर दिए वीडियोस, इनको लगा कि कोई एक आधी वीडियो चल जाएगी, अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ जाएंगे तो यहाँ पे पैसा ही कमा लेंगे। इनको अगर ये यही कंटेंट जो मैंने इनको दिया है, मैंने वीडियोज़ में यूज़ किया है, इसको अपनी तरीके से अगर ये यूज़ करके अपलोड करते तो आई थिंक वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता। देखो मेरी कितनी पुरानी वीडियोज़ हैं जो यहाँ पे पोस्टेड आपको मिलेंगी, और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहुत इन्होंने चैनल का जो शुरुआत की थी वो भी मेरी वीडियो से ही की थी, एक पहली इन्होंने कोई वीडियो डाली उसके बाद मेरी ही वीडियो से इन्होंने चैनल की शुरुआत की थी। तो 100% फेक है ये, यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का इनको कोई परमिशन नहीं दिया मेरी वीडियोज़ को कॉपी करने का। तो बिल्कुल अब अगर इनकी बात नहीं करते तो एक और मुझे दूसरा जीव मिला जिनका नाम है चैनल का एलेक्स ए। तो एलेक्स ए के पास जाते हैं तो भैया देखो ये वीडियो मैंने बहुत पहले डाली थी और मैंने डिलीट भी कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल से, एंड भैया के चैनल पे अभी तक पड़ी हुई है एंड मेरे पास कॉपीराइट स्ट्राइक का ऑप्शन आ रहा है। तीसरी बात करते हैं तो नेशनल बाइनरी ट्रेडर्स, देखो ये वीडियो मेरी है, ऑलिम ट्रेड से लाइव विड्रॉ, देखो ये मैंने ही अपलोड की थी और ये पूरा जो है इन्होंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब आते हैं लास्ट चैनल, तो सौम्य रॉय ट्रेडर के नाम से किसी ने एक चैनल बनाया हुआ है, ये चैनल फेक है, मतलब ओरिजिनल चैनल नहीं है, मतलब किसी ने सारी वीडियोस जो है यहाँ पे कॉपी कर रखी है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे
इन्होंने इन्होंने तो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए क्रिएशन को. क्रिएशन क्यों किस तरीके से देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेलकम वीडियो. जब आप किसी के चैनल पे जाते हो, नए सब्सक्राइबर हो, तो एक वीडियो आपके सामने प्ले होती है. तो ये देखो, इन्होंने वेलकम वीडियो में ही मेरा वीडियो लगा रखा है. ये वीडियो मैंने अपलोड किया था लगभग 6 से 7 महीने पहले, और इन्होंने ये वीडियो अपने वेलकम सब्सक्राइबर के लिए वेलकम वीडियो लगा रखा है अपने चैनल पे. तो भैया बहुत ज़्यादा हंसी आई मुझे देख के. पहली चीज़ तो ये, क्योंकि सारी जो वीडियोस इन्होंने नीचे कॉपी कर रही है किसी और की हैं, एंड अगर आप जाते हैं यहाँ पे तो वेलकम वीडियो मेरी लगा रखी है. यार मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई भी इंसान अगर अपनी मेहनत से कहीं भी पहुँचता है या पहुँचने की कोशिश करता है, उस इंसान की मैं हमेशा से रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ. लेकिन अगर कोई इस तरीके का काम करता है तो इन दी एंड उनका अंजाम क्या होता है वो अभी आप देखोगे. कुछ भी नहीं होना. आप अगर चैनल को कॉपीराइट, आप कुछ, आप जिन जो भी वीडियोज़ जो है कोई भी कॉपी करता है, तो आपको कुछ नहीं करना है. सिर्फ जाना है यहाँ पे, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट वीडियो रिमूवल का. यहाँ पे जाके आपको रिक्वेस्ट कर देनी है, और यहाँ पे आपको इसको फिल कर देना है कि आपका जो है माई सेल्फ, आप अफेक्टेड पार्टी आप हो, बिल्कुल आप हो, और इसके बाद आपको जो है नेम ऑफ कॉपीराइट ओनर, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स को भर के फिल करके आपको सबमिट कर देना है. एंड सबमिट करने के बाद होगा क्या, जितनी भी इनकी वीडियोज़ हैं, ठीक है, बहुत जितनी भी इनकी वीडियोस हैं, नॉट इवन अ सिंगल, जितनी भी, देखो आप यहाँ पे नोटिस भी दे सकते हो इन्हें, 7 डेज का शेड्यूल नोटिस भी दे सकते हो, और नाउ के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, लीगल एग्रीमेंट्स भी आप कर सकते हो सिग्नेचर के साथ. तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर ये चीज़ कोई करता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ सकता है. पहली चीज़, उसका चैनल है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक तो आएगा ही आएगा. दूसरी चीज़, उसका चैनल बंद भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर आप 50 वीडियो किसी की कॉपी करते हो तो यूट्यूब इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, और आपका जो चैनल है बिल्कुल बंद हो सकता है. और अगर आप एक आधी वीडियो किसी की कॉपी करते हो तो आपको वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है. बट नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली विदाउट कॉपी स्ट्राइक आपका जो चैनल है वो बंद हो सकता है बिल्कुल. तो ऐसे काम कभी मत करो यार. शॉर्टकट नहीं, आप ऐसे वेज लो जहां से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो. यार टैलेंट होना चाहिए अगर आपके कमाने का, लेकिन जो ऐसे जरिए हैं वहां से मुझे नहीं लगता आपको पैसे कमाने चाहिए. क्योंकि इन दी एंड इनका जो अंजाम है ना, वो वही होता है जो आप शॉर्टकट यूज करते हो. ये वीडियो मैं यहाँ पे इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कुछ लोगों को, जो लोग हैं शॉर्टकट यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में या किसी भी और फील्ड में पैसा कमाने के लिए. तो डेफिनेटली यार गाइज, वार्निंग है उन लोगों के लिए कि शॉर्टकट का अंजाम ना इन दी एंड जो है आखिर में अंति होता है. तो यहाँ पे अगर आप कोई भी शॉर्टकट यूज़ करते हो पैसा कमाने के लिए ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना आपको. अंजाम कुछ नहीं मिलेगा, अंत बहुत ही बुरा होता है. जैसे यहाँ पे मैं अभी स्ट्राइक डाल दूंगा, इनके चैनल को बंद होने का खतरा है, या कंटेंट है वो तो डेफिनेटली रिमूव हो ही जाएगा, और बहुत सारे कॉजेज हैं जिनको फेस करने पड़ सकते हैं. तो यार आप ऐसा कभी मत करो. लॉन्ग वे, लॉन्ग रेस के लिए हमें चलना है. मैं आपको हमेशा से करता रहा हूँ, तो लॉन्ग रेस के लिए जाने के लिए कुछ नहीं करना भैया आपको. सिंपली एक छोटे छोटे स्टेप्स के साथ मूव करो, और इस तरीके के जो लोगों के दिमाग में आता है ना, तो वो सब रहने दो यार. किसी का कॉपी कंटेंट को कॉपी करके क्या फ़ायदा. आजकल तो बहुत सारे एडवांस सिस्टमेटिक तरीके हैं जहाँ से पता लग जाता है कि किसने क्या कॉपी किया है, क्या नहीं किया है. अगर YouTube के कॉपीराइट सिस्टम को भी हटा दो तो भी पता लग जाएगा यार. सो गाइज, मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी, और जो समझाना मैं चाहता था, जो वीडियो मैं लेके आया हूँ और समझाने का जो मेरा मोटिव था, वो आप लोगों तक पहुँच गया होगा. लाइक आपने अभी तक उम्मीद करता हूँ कर दी होगी यार वीडियो को. एंड दूसरी चीज़ यार, कमेंट कर दो यार, कोई कमेंट करो. अगर कोई भी क्वेरीज है डेफिनेटली सॉल्व होगी. एंड अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. अगर आप वहाँ ज्वाइन नहीं होते हो तो बहुत कुछ मिस करोगे. चलिए गाइस, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.